आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। कौशल और कविता बस यही सोच रहे थे कि कैसे भी करके घर पहुंच जाएं। क्योंकि वो और कविता एक ही गांव से थे और शहर में एक ही कॉलेज में साथ पढ़ते थे। उन दोनों के गांव से कॉलेज की दूरी लगभग 50 किलोमीटर थी। कविता बस से जाती थी और कौशल अपनी मोटरसाइकिल से। लेकिन आज कॉलेज में फंक्शन था तो शाम हो गई थी और कविता की बस भी छूट गई थी। तो कौशल ने कविता से कहा, चलो तुम मेरे साथ ही घर चलो, बस तो अब मिलने से रही। गांव जाने के रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था और वो जंगल भूतों के लिए प्रसिद्ध था, या यूं कहें तो कि वहां भूतों का वास था। वो लोग अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक कौशल की मोटरसाइकिल चलते चलते बंद हो गई और वो वही जंगल में आकर बंद हो गई। कविता बेहद डर गई थी, लेकिन वहां कौशल ने हिम्मत दिखाई ताकि कविता थोड़ा सहज महसूस करे। उसने कहा, तुम डरो मत, मैं देखता हूं। ये कहकर दोनों मोटरसाइकिल से नीचे उतर गए। हालांकि कौशल बहुत डर रहा था, इस जंगल के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मोटरसाइकिल ठीक करने लगा। कई बार किक मारी लेकिन वो तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिसके बाद दोनों पैदल ही घर की तरफ चल दिए। दोनों को बहुत डर लग रहा था, लेकिन करते भी क्या। कौशल ने अपना फोन निकाला कि घर से भाई को बुला लें, लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं था। कविता के फोन में भी यही हाल था। वो लोग चल ही रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि कोई साया है और वो साथ ही चल रहा है। थोड़ी देर तक यही महसूस हुआ, बाद में वो गायब हो गया। वो दोनों अभी आगे चल ही रहे थे कि अचानक लगा कि कोई बच्ची है और वो जोर जोर से रो रही है। कौशल ने तभी कविता से कहा, हमें चलकर देखना चाहिए कि वहाँ कौन है। लेकिन कविता ने मना किया, लेकिन कौशल के बहुत जिद करने पर वो चलने को तैयार हो गई। वो दोनों वहाँ गए जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी, तो देखा एक बच्ची है। तभी कौशल ने कहा, तुम क्यों रो रही हो? तो इस पर उस बच्ची ने कहा, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मेरा घर यहीं पास में ही है, आप छोड़ दीजिए चलकर। कौशल का दिल नहीं कर रहा था उसके साथ जाने का, लेकिन एक अजीब सी शक्ति थी जो उन दोनों को अपनी ओर खींच रही थी, और ना चाहते हुए भी दोनों साथ चल दिए। आगे बहुत भयानक जंगल था। कविता ने उस बच्ची से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कविता ने फिर पूछा तो वो पीछे की तरफ मुड़ी। दोनों ने जब उसका चेहरा देखा तो वो दोनों की चीख निकल पड़ी। वो बच्ची जो इतनी प्यारी सी गुड़िया की तरह लग रही थी, वो अचानक से इतनी भयानक लगने लगी। काला मुंह, बड़े दांत, बड़े नाखून, देखते ही देखते वो एक औरत बन गई। दोनों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये सब सच था। तभी उस बच्ची ने, या यूं कहें तो उस औरत ने कहा, जो इस जंगल में आता है वो यहाँ से जाता नहीं है, और तुम दोनों भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। इतना कहकर उसने कविता का गला पकड़ा और उसे वहीं अपने बराबर में ले जाकर पटक दिया। कविता वहीं बेहोश हो गई और फिर वो औरत कौशल के पास आने लगी। तभी कौशल ने अपने बाह में बंधे ताबीज को उसके सामने कर दिया। वो एकदम से पीछे हट गई और गायब हो गई। जिसके बाद कौशल ने कविता को उठाया और दोनों वहां से भाग निकले। तो इस तरह से उस रात उन दोनों की जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। आज की दूसरी कहानी में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल डार्क टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां हर शाम 7:30 बजे नई वीडियोज़ आती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं
आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से 25 साल पहले मेरे साथ घटित एक घटना जिसे आज तक मैं भूल नहीं सका और जिसे याद करके आज भी मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। दरअसल पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मुझे किसी तरह का काम नहीं मिला तो मैं काफ़ी मायूस रहने लगा। मुझे हर वक्त मायूस रहता देख मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे गांव के बाहर एक बॉयज हॉस्टल में इंचार्ज का काम लगा दिया। काम लगने से मैं काफ़ी खुश था और अपनी ड्यूटी काफ़ी ईमानदारी से कर रहा था। मेरी ड्यूटी सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक की थी। महीना भर तो सब कुछ ठीक ही चला, जिसके बाद मालिक ने एक दिन कहा, सुरेश कल से सबका शिफ्ट बदल जाएगा, तुम्हारी भी ड्यूटी अब रात की होगी, रात 9:30 बजे से सुबह के 9:30 बजे तक। ये सुनकर मैं थोड़ा मायूस हुआ, मगर मैं कर भी क्या सकता था, मेरे पास दूसरा और कोई विकल्प नहीं था। उस दिन की ड्यूटी खत्म करने के बाद मैं घर चलाया और घर वालों को भी पूरी बात बताई, जिस पर पापा ने कहा, बेटा कुछ दिन कर ले, मैं दूसरा काम देखता हूँ तेरे लिए। पापा की ये बात मुझे ठीक लगी। खैर अगले दिन रात का खाना पीना खाने के बाद मैं टॉर्च लेकर काम पर जाने के लिए घर से निकला तो वक्त हो रहा था रात के 9 बजे का। मेरे गांव में रात के 9 बजना यानी काफ़ी रात, दूर दूर तक ना तो कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई जानवर। उस फैले हुए सन्नाटे को देखकर मैंने मन ही मन कहा, मेरे जैसा कोई बदकिस्मती होगा जो इतनी ठंड में वो भी रात के वक्त घर से बाहर निकलेगा। खैर अपनी किस्मत को कोसते हुए मैं आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक अंधेरे से घिरे कच्चे रास्ते पर आ गया, जिसे पार करते ही वो हॉस्टल आ जाएगा। दिन के वक्त तो इस रास्ते पर हल्की चहल पहल रहती है, मगर अंधेरा होने के बाद चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा फैल जाता है। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज़ आई तो मैं झट से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि एक 16-17 साल का लड़का दौड़ते हुए मेरी तरफ ही आ रहा है। उस लड़के को देखकर मैं रुक गया, मगर वो लड़का मेरे पास ना आकर मुझसे आगे निकल गया। मैं भी इस बात पर उतना ध्यान ना देकर आगे बढ़ने लगा, मगर मेरे मन में एक बात खटक रही थी कि वो लड़का कौन था और दौड़ता हुआ कहाँ गया। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी रास्ते के किनारे मुझे वही लड़का बैठा हुआ दिखा जो सिर झुकाकर रोए जा रहा था। मगर ऐसा क्यों, अभी तो ये लड़का दौड़ रहा था और अभी रो क्यों रहा है, कहीं ये लड़का मेरे हॉस्टल का तो नहीं है। मन में कई तरह के सवाल लेकर मैं उस लड़के के पास गया और कहा, कौन हो भाई तुम और इतनी रात गए इस रास्ते पर रो क्यों रहे हो। इस पर उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उस लड़के से कोई जवाब ना पाकर मैंने दोबारा से कहा, कहीं तुम मेरे हॉस्टल में तो नहीं रहते हो, और अगर रहते भी हो तो चलो जल्दी, इतनी रात गए तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। मेरे इतना बोलते ही उस लड़के ने अपनी शक्ल मेरी ओर घुमाई तो मैंने टॉर्च की लाइट जब उसकी शक्ल पर डाली तो मेरे होश उड़ गए। मैं अंदर से लेकर बाहर तक हिल गया और मेरा पूरा शरीर कपकपाने लगा। दरअसल उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से सपाट था। उस लड़के के चेहरे पर आँख नाक मुँह कुछ भी नहीं था। उस लड़के का चेहरा देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। इससे पहले कि वो भूत मुझे कुछ कर पाए मैंने हॉस्टल की तरफ दौड़ लगा दी। दौड़ते वक्त मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़का वहाँ से गायब था, मगर मैंने अपने दौड़ने की रफ्तार कम नहीं की। तभी मुझे
थोड़ी ही दूरी पर हल्की रोशनी दिखी। मैं और तेज दौड़ते हुए उस रोशनी के पास गया तो मैंने देखा कि मेरे ही हॉस्टल का वॉचमैन हाथ में लालटेन लेकर खड़ा है। उसने मुझे इस हालत में देखकर कहा, अरे साहब आप दौड़ क्यों रहे हैं? इस पर मैंने उससे अपनी सारी आपबीती बताई। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस वॉचमैन ने लालटेन ऊपर उठाया और एक भारी सी आवाज में कहा, कहीं वो लड़का ऐसा तो नहीं दिखता था साहब। उसकी भारी सी आवाज सुनकर मैंने जब वॉचमैन की शक्ल देखी तो मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जम गया और इतनी ठंड में भी मेरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया कि तभी वॉचमैन के चेहरे की तरह ही उसका पूरा शरीर उस लड़के में तब्दील हो गया। मैं भागने की काफ़ी कोशिश कर रहा था मगर मेरा शरीर हिल तक नहीं पा रहा था, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे जकड़कर रखा हो। मैं उस लड़के के रूप में अपनी मौत को साफ देख पा रहा था। तभी उस लड़के ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। काफ़ी जोर से गिरने के कारण मुझे काफ़ी चोट आई, जिसके बाद उस भूत ने मेरे दोनों पैरों को एक साथ में ही पकड़ा और घसीटता हुआ पता नहीं कहीं ले जाने लगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैं चिल्ला तक नहीं पा रहा था। अभी वो भूत मुझे घसीट ही रहा था कि तभी काफ़ी सारी टॉर्च की लाइट मुझ पर पड़ी, जिससे उस भूत ने मेरा पैर छोड़ दिया और कहा, आज तो नहीं, कल तू जरूर मरेगा। और इतना बोलकर हवा में धुआं हो गया। वो टॉर्च की लाइट जब मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि वो मेरे घर वाले हैं। मेरे पापा ने मुझे सहारा देकर उठाया तो मेरा पूरा पीठ छिल चुका था, उससे काफ़ी खून भी निकल रहा था। फिर मुझे पता चला कि हॉस्टल नहीं पहुंचने के कारण हॉस्टल से मेरे लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल आया था, जिससे मेरे घर वाले काफ़ी परेशान हो गए और मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, जिसके बाद मैंने अपनी पूरी आपबीती घर वालों को बताई, जिस पर पापा ने कहा, तुम पहले घर चलो फिर सब बताता हूँ। फिर हम सब घर आ गए। घर आकर पापा ने कहा, आज से करीब 10 साल पहले की बात है, हमारे ही गांव का एक लड़का गांव में सब्जी बेचा करता था। दरअसल उसके पापा नहीं थे तो उसे छोटी सी उम्र में ही अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठानी पड़ती थी। धीरे धीरे उसकी सब्जियां अच्छी बिकने लगी। वो गरीब लोगों को मुफ्त में भी सब्जियां दे दिया करता था। सब्जियां ज़्यादा बिकने के कारण अब उसे ज़्यादा सब्जियों की ज़रूरत पड़ने लगी, जिस कारण वो सुबह 3 बजे जाकर शहर के मंडी से सब्जी लाने लगा। मगर एक रात जब वो 3 बजे सब्जी लाने गया तो कभी वापस नहीं आया। जब सुबह गाँव वाले उसे ढूँढने निकले तो पाया कि रास्ते पर उसके शरीर के थोड़े थोड़े टुकड़े गिरे हुए हैं, जिसे देखकर ही पता चल गया कि उस लड़के को रात के वक्त अकेला पाकर जंगली जानवरों ने नोच खाया है। ये खबर सुनकर उसकी माँ पागल हो गई और पता नहीं कहाँ चली गई, और तब से उस लड़के की आत्मा भटकती है। मगर कई सालों से वो आत्मा किसी को दिखी नहीं, जिस कारण सभी लोगों ने मान लिया कि अब उसकी मुक्ति हो गई है। पर तुम्हारे साथ जो हुआ इससे साफ साफ पता चलता है कि वो आत्मा आज भी उस रास्ते पर अपना डेरा जमाए हुए है। उस रात तो किसी तरह से मेरी जान बच गई, जिसके बाद मैंने वो काम छोड़ दिया और आज मैं एक बड़ी सी कंपनी में काम करता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। और अगर आप भी एनिमेटेड हॉरर स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें डार्क टीवी चैनल को, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।